कोई हंसता है तो कोई रोता है, कोई हंसता है तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वही होता है जो शाम को दो टाइम आके सोता है। थैंक यू दोस्त एवरीबॉडी। यार दोस्त गौर करेगा, वो पार्टी के पैदा हुए हैं, समझ रहे, पार्टी का दूसरा नाम है। तो ये हमेशा डिसाइड करते यार मुझे कौन सा वाइन शॉप में है, ये सारा इंफॉर्मेशन करके 25-200 को फोन करना पड़ता है। भाई कहाँ मिल रहा है डिस्काउंट यार? Ladies and gentlemen, बाजी, मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है, क्योंकि गाड़ी में पीना और शराब पी के गाड़ी चलाना बहुत डेंजरस है। तो दिस विल बी वेरी सेफ फॉर लो बजट अल्कोहल कंज्यूमर्स की उनको हम लोग अच्छे बार में उनके ही बजट में इस ऐप के थ्रू अल्कोहल अवेलेबल कराएंगे और मुझे लग रहा है बहुत नोबल कॉज है। मैंने बहुत हिपोक्रेट होकर इसको ऐसा बना लिया कि वो शराब पीता है, लेकिन मैंने 2012, 2013, 2014 में ग्लोरीफाई करके बताया कि हाँ यार पीते क्या हो गया, सब पीते हैं आज की लाइफ में। पी के गलत काम करना बुरी बात है, शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, आपके माइंड को रिलैक्स करने तक क्यों ना। सो इनका आइडिया था, मैं उसको सिर्फ सपोर्ट करके आगे लेके जाना चाहता हूँ कि ये स्पेशली मेरा ये इसके साथ जुड़ने का ये है। वैसे सच बताऊँ तो मैंने तो शराब छोड़ दी है, लेकिन इसके साथ जुड़ने का सबसे बड़ा रीजन तो मुझे लगा है कि भाई यार अगर ये हम सक्सेसफुली कर पाए कि हम गाड़ी में शराब पीने वालों को बाहर तक सेफली पहुँचा दें, मुझे लगता है ये आइडिया बहुत अच्छा है और बहुत सेफ है। तो जो मेरे फैंस हैं, जो यूथ है, 70% अल्कोहलिक्स और जो स्टैट से पता लग जाता है, उनकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। तो वो गाड़ी में पी के गाड़ी ना चलाएं और सेफ रहे बाहर में और वहाँ से कैब करके घर जाए। मुझे लगता है कि ये ब्रिलियंट आइडिया मेरी पड़ेगा। क्या बोल रहे भाई, क्या बोल रहे हो? सच में मेरे जो दोस्त है खास, उनको स्पेशली पता है, क्योंकि मैं अपने गाने तभी सुनता हूँ जब मैं स्टेज पे होता हूँ और मुझे पैसे मिलते हैं। तो मैं अपने रिलीज गाने कभी भी नहीं सुनता हूँ, मेरे गाड़ी में भी मेरी जो ट्रैक लिस्ट होती है उसमें वो गाने मैं बार-बार सुनता हूँ जो रिलीज होने वाले होते हैं। अपना रिलीज गाना कभी नहीं सुना मैंने गाड़ी में, अपने घर में, या और जब मैं क्लब में जाता हूँ तो वो मेरे गाने बजाने लग जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं यहाँ कुछ और म्यूजिक सुनने आया हूँ, प्लीज वो प्ले किया जाए। फिर उनको समझ में आता है कि क्योंकि जब भी मैं 2012, 2013, 2014 में शोज कर रहा था, इवेंट टूर कर रहा था, तो वहाँ स्टैम्पेड हो जाती थी और सिक्योरिटी का बहुत मसला रहता था, जैसे सबको पता है। तो भाई की कंपनी मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती थी और इनकी ईमानदारी और काम को लेकर जुनून है जिसका मैं फैन हूँ। ये हनी सिंह गुरु की टी-शर्ट पहन के खुद लग जाते थे साथ में, और मैं कहता हूँ भाई यार Thank you so much. Thank you so much. Please download. So he's like that kind of workaholic to be. काफी सारे इंडियन ऐसे, हाँ mostly मैं ये करने लग गया था कुछ वक्त बाद कि जब मैं पार्टी में जाता था, एक बार मेरे साथ कॉलकाता में हुआ, मैं शो के बाद आपको पार्टी में गया तो वहाँ से so that is being taken care of. You genuinely a superb question, well thought out. मुझे यकीन है आप भी बहुत पीते हैं, इससे हमने 4 बार सोचा है, इसलिए गाड़ी की चाबी घर पे छोड़ के जाना पड़ता ना, वापस आने में दिक्कत होती है, घरवाली बहुत डांटती है। सर नेक्स्ट अगले हफ्ते। बट रिमेंबर, बी वेरी सेफ, टेक केयर, थिंक ट्वाइस, क्योंकि भाजी थोड़ा खतरा तो और होना चाहिए। so much. Ladies and gentlemen, a big shout out to my brother. So I want a rap song. 16 साल हो चुके हैं आप सुनिए भाई इनका बर्थडे भी है हैप्पी बर्थडे होता ना तेरी मेरी स्टोरी थोड़ी शायद सी अभी एक सो वरना यू वांट टू फाइट मी गुजारा तो तेरा हाथ बिलो फाइट सी आई नो यू लव मी आई नो यू वांट टू बाइट मी एक्साइटमेंट तो पूरा मोड़ा हाथ जटर हंसने तेरी बुलेट कर दी फटाफट पर शेरनी जटनी भी बोझा हिप हॉप के ड्रामे का गोजा वेरी नाइस फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस all of us Shanabi are very happy with this app up to discount rate milega so we better have a lot of security and all that because you know what happens after fight up to issue and majorly discounted prices so God bless everyone still is a tea coat please inko mana hai peena doctor there was Make some noise for Sohail Bhai! Ladies and gentlemen.